अभी पढ़ चुका है इसलिए हम सही लोग आशा करता हूँ भाई आप लोग बढ़िया होंगे। और भाई साहब यहाँ पर आज मैं आपको इंडियन बैंक ड्राइविंग 3D के कुछ ऐसे चीट कोड बताने जा रहा हूँ जो कि भाई साहब नए तो हैं और भाई साहब बहुत मज़ेदार भी हैं। तो चलो भाई यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं स्टार्ट करने शुरू करता हूँ, उससे पहले भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो भाई जो हमारा पहला चीट कोड है वो भाई साहब 8880 है। इसको करने भाई आपके आ जाएगा एक हमारे कार, और भाई ये भी बड़ी मस्त कार है क्योंकि तो भाई साहब ये बहुत तगड़ी है। और भाई जो हमारा सेकंड चीट कोड है वो है 3001। इसको भाई आप पानी में स्पॉन करना क्योंकि भाई साहब अगर आप जमीन पर स्पॉन करोगे तो भाई चलेगी नहीं है। तो चलो भाई आप चलते हैं सीधा नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो कि भाई साहब मजेदार भी होने वाले हैं और भाई काम भी आने वाले हैं। तो एक सेकंड भाई, जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो है 100। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो है, अरे भाई 1001 करना मेरे को, तो भाई गलती हो जाती है। तो चलो यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, फॉर्च्यूनर लेजेंडर आएगी भाई आपकी 1001 करने पर। तो चलो भाई यार अब आपको करना है 3100। इसको करने भाई आपकी ब्लैरो आ जाएगी मस्त एकदम। तो चलो भाई यार थोड़ा आगे चल लेता हूँ मैं। और भाई यहाँ पर आप करोगे 9191 तो आपके आ जाएगी एक महिंद्रा थार जो कि भाई सब न्यू मॉडल है और भाई बड़ी अच्छी लगती है न्यू मॉडल भी। तो चलो भाई यार आप चलते हैं सीधा नेक्स्ट चीट कोड पर। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है ना वो भाई होने वाला है 2244। इसको करने भाई आपके आ जाएगी एक सुप्रा। और भाई आप चलते हैं सीधा नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो कि भाई साहब और मस्त होने वाला है और वो है भाई 8123। इसको करने भाई आपके आ जाएगी एक मस्टैंग। और भाई ये भी आपको थोड़ी काम की है यार, बहुत तेज चलती है और भाई एकदम अलग ही लगती है साउंड इसका। तो चलो भाई यार आप चलते सीधा नेक्स्ट चीट कोड की तरफ। और भाई एंड में आपको बताऊंगा मैं RGS टूल को चीट कोड जिससे भाई आप घर वगैरह ला सकते हो। तो चलो भाई यार आप चलते हैं सीधा नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो कि भाई सब है हमारा बड़े मस्त चीट कोड है भाई। इसको भाई आप यूज़ कर सकते हो भाई ड्राइविंग ट्रेड में। तो भाई ये है हमारा 3005। और भाई इसको करने भाई आपके आ जाएगी GTR। तो भाई अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ RGS टूल के चीट कोड। तो भाई जो हमारा फर्स्ट चीट कोड है ना वो है B1। मतलब इसको करने भाई आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग आ जाएगी तो भाई आपने सोच ही नहीं होगी। तो चलो भाई यार आप चलते हैं सीधा नेक्स्ट चीट कोड की तरफ जो कि भाई सब है, मैं भाई वैसे आपको मैंने बिल्डिंग का बताया तो भाई मैं अभी आपको हाउस का बता देता हूँ। तो भाई यार एक सेकंड मैं आपको हाउस का बताने वाला हूँ, एक सेकंड भाई पहले मैं देख रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर आप L1 लिखोगे तो आपका कुछ नहीं आएगा, लेकिन भाई P1 करोगे तो आपका एक लैंप आ जाएगा और भाई ये भी बड़ा अच्छा लैंप है। तो चलो भाई यार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और भी मस्त चीट कोड और कुछ ऐसे चीट कोड भी हैं क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आप घर स्पॉन कर सकते हो। तो चलो भाई यार यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सीधा H1। इसको करने भाई H5 कर दोगे तो भाई कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा घर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ जाएगा। तो चलो भाई यार अब चलते हैं सीधा आगे। और भाई साहब मैं आपको बताऊँगा कि आप ट्री कौन सा कर सकते हो और भाई आप इसको पकड़ के कैसे कर सकते हो। तो भाई इसको करने के लिए आपको M1 टाइप करना होगा और भाई उससे आप इसको इधर उधर कर सकोगे, मूव कर सकोगे। तो चलो भाई यार यहाँ से अब मैं बताने आ रहा हूँ सीधा नेक्स्ट चीट कोड जो कि भाई साहब है T1 कर लो भाई आप, 5 कर लो। तो भाई इससे आपके बहुत मस्त मस्त पेड़ आ जाते हैं और भाई साहब ट्री तो बहुत मस्त लगते हैं ये। तो चलो भाई यार अब बहुत मैंने आपको चीट कोड बता दिए हैं और भाई साहब RGS टूल के चीट कोड मैंने आपको जो कि बता दिए हैं और भाई ये भी बड़े मस्त हैं। तो भाई आप ऐसे करके अपने घर बना सकते हो। और एक सेकंड भाई मैं आपको एक वॉल का चीट कोड बता देता हूँ जिससे भाई आप अपने घर आराम से बना सकते हो। तो एक सेकंड भाई मैं साइड देता हूँ, तो मैंने भाई इसे पकड़ के साइड कर दिया है। तो भाई इसे तो आप 2 मिनट में साइड कर सकते हो, बस आपको M1 टाइप करना है RGS टूल में। तो चलो भाई यार अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई आप वॉल कैसे ला सकते हो। तो आपको लिखना है W1। इसको करने भाई आपके लिए एकदम मस्त वॉल और भाई इसको भी आप मूव कर सकते हो। तो गाइस आज के बस नहीं भाई, आपने देखा आज मैंने आपको बता दिया कुछ ऐसे चीट कोड जो कि भाई साहब आपके बहुत काम आ सकते हैं और भाई आप इनको ट्राई कर सकते हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। सो गाइस अगर आपको भाई वीडियो बनाए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।